तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, दो अज्ञात लोग दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे, मची अफरातफरी। मध्य प्रदेश में आज से मोहन सरकार, मोहन यादव ने ली सीएम पद की शपथ, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने डिप्टी सीएम, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल, शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, दुबई में दबोचा गया महादेव सट्टेबाज, ऐप का को फाउंडर, यूएई अधिकारियों से संपर्क में इंडियन एजेंसियां। आज आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम के दौरे से पहले जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी, सीएम कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, 2024 चुनाव को लेकर मंथन। देश की संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों से भी संसद परिसर में मिले पीएम मोदी, सभी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा राष्ट्र हमेशा उन बहादुरों को, सुरक्षा कर्मियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाई। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद परिसर पर किया था हमला। हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत, इस दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण को 2 साल पूरे, 2021 में आज ही के दिन मंदिर का 200 गुना किया गया था विस्तार। इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाई जा रही एनिवर्सरी, मंदिर में 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के करेंगे दर्शन, पूजन और जलाभिषेक। मंदिर ट्रस्ट ने महारुद्र अभिषेक की तैयारी की, डमरू और शंखनाद की ध्वनि से गूंजेगा बाबा का दरबार। शहर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल, 13 करोड़ से अधिक देसी और विदेशी श्रद्धालुओं के ट्रांसपोर्टेशन से बड़ा कारोबार। यूपी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, बुधवार को योगी सरकार ने पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए। तबादला सूची में 167 पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल, उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले। और गैंगस्टर विकास दुबे के बाद बिक्रू में एक और गैंग सक्रिय, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा, 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता, घायल लुटेरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शिवाली थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ के पास का पूरा मामला। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सर्दी के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में पहुंची हवा। आईजीआई एयरपोर्ट पर 355, न्यू मोतीबाग में 368 और पंजाबी बाग में 397 AQI दर्ज, बीते मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण का सूचकांक 355 रहा।
फरीदाबाद का 278, गाजियाबाद का 296, ग्रेटर नोएडा का 335, गुरुग्राम का 278 और नोएडा का 337 AQI दर्ज किया गया। 25 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी, अटल जी की जयंती पर अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर सभी तैयारियां जारी, श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यूपी में अब लड़कियां रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में कर सकेंगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने वापस लिया पहले का जारी किया गया आदेश। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 अगस्त को जारी किया आदेश वापस लिया, 8 बजे के बाद कक्षाएं लगाने पर लगाई गई थी रोक। यूपी के बदायूं में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में युवक असलाह लेकर फिल्मी गानों में डांस करता आया नजर। असलाहों के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल, युवक आलापुर थाना क्षेत्र माऊ का रहने वाला बताया गया। धीरज साहू के घर पर चप्पे चप्पे को खंगाला गया, 351 करोड़ कैश मिलने के बाद आईटी विभाग का नया प्लान आया सामने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर होगी खुदाई, 351 करोड़ कैश बरामद होने के बाद अब इनकम टैक्स की टीम कराएगी जियो सर्वे। मध्य प्रदेश के सिवनी और उज्जैन जिलों में दो महिला सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बीज निरीक्षक कृष्णा चौहान को कथित तौर पर 20,000 रुपये लेते पकड़ा गया, मामले में पूछताछ जारी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अपनी तैयारी तेज की, 2024 को लेकर कांग्रेस में गहन मंथन जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस जल्द ही यूपी में करेगी परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन यात्रा में प्रियंका गांधी हो सकती हैं शामिल। परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रियंका एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस की कमान संभालती आएंगी नजर। और 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा, प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी पदयात्रा, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की तैयारी में कांग्रेस। पदयात्रा के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम तैयार, सहारनपुर के गंगोह से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सीतापुर पहुंचेगी पदयात्रा। राजस्थान में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक लेडी डॉन की आई एंट्री सामने, जयपुर पुलिस ने पूजा सैनी को किया गिरफ्तार। मूल रूप से कोटक की रहने वाली है पूजा सैनी, पति महेंद्र कुमार मेघवाल पर हिस्ट्री शीटर का आरोप, जांच में जुटे पुलिस। हिस्ट्री शीटर महेंद्र कुमार पर मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार तस्करी जैसे 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला, सलातोंग के पास नक्सलियों ने आईईडी से किया ब्लास्ट। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान हुए घायल, घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, जवानों की हालत स्थिर। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो के उड़े पर खच्चे। हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, ट्रक की टक्कर में ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, सट्टी थाना क्षेत्र के मुगल रोड का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली इलाके में देर रात ठंड के लिए लगाए गए अलाव में डीजल डालने की वजह से लगी भीषण आग।
आग ने लिया भीषण रूप, आग की चपेट में आए 5 मजदूर, 3 मजदूरों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराए गए भर्ती। और पंजाब के सीएम भगवंत मान की बेटी ने अपने ही पिता पर लगाए बेहद गंभीर आरोप, वीडियो भी साझा किया। भगवंत मान की बेटी ने कहा, पत्नी और बच्चों के साथ करते हैं बेहद घटिया हरकतें, शराब पीकर जाते हैं गुरुद्वारे और विधानसभा। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी फातिमा वसीम, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 15,200 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशनल पोस्ट पर मिली थी तैनाती, अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा सराहनीय। निज्जर की हत्या के लिए सीक्रेट मेमो जारी करने के आरोप को भारत ने किया खारिज, अरिंदम बागची बोले, ये पाकिस्तान की साजिश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, मामले पर दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा भारत के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री विजयन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सीएम ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे, पुलिस भी दे रही उन्हीं का साथ। वहीं अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की बैठक, बैठक में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत, विपक्षी दल बैठकर तय करेंगे चुनाव का एजेंडा। और मुफ्त उपहार वाली राजनीति पर बरसे उपराष्ट्रपति जगदीप, बोले जेब नहीं दिमाग सशक्त करने की जरूरत। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया बयान, प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की जरूरत कहा। और कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, कुमार स्वामी का दावा, बीजेपी में आ सकते हैं 50 से 60 विधायक। कुमार स्वामी के दावे से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल, कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत के साथ बनाई है सरकार। इजराइल हमास युद्ध में भीषण जंग जारी, गाजा में मृतकों की संख्या पहुंची 17,700 के पार। आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर अमेरिका ने जाहिर की चिंता, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दी धमकी। इजराइल को 10.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अधिक मूल्य के लगभग 14,000 राउंड टैंक गोला बारूद की आपातकालीन बिक्री को मिली मंजूरी। जेवियर माइली ने संभाला अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दुनिया भर के नेता। जेलेंस्की और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन समेत कई नेताओं ने लिया भाग, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी रहे मौजूद। लंदन में ट्रेन के अंदर महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, तकनीकी समस्या के कारण कई घंटों फंसे रहे यात्री। मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, यात्रियों ने पटरियों पर सामान को ले जाते हुए तस्वीरें साझा की। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे भारतवंशी रामास्वामी को जान से मारने की मिली धमकी, आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं भारतवंशी रामास्वामी, टाइलर एंडरसन के रूप में हुई आरोपी की पहचान। भारतीय मूल के अमेरिकी और तकनीकी उद्यमी है विवेक रामास्वामी, 37 वर्षीय रामास्वामी के माता पिता केरल से गए थे अमेरिका।
इजराइल जाने वाले टैंकर पर हूती विद्रोहियों ने यमन से किया मिसाइली अटैक, विद्रोहियों ने इजराइल को दी बड़ी धमकी। विद्रोहियों ने कहा इजराइल की ओर से जाने वाले हर जहाज पर करेंगे हमले, इजराइल के हमास पर हमले बंद नहीं होने तक करते रहेंगे हमले। अमेरिका और ब्रिटेन ने की हमले की निंदा, हमले के लिए हूती का समर्थन करने वाले ईरान को भी दोषी ठहराया। और चिली के समुद्री तट पर मिली 52 फीट की फिन व्हेल लोगो में फैली सनसनी, मौत का कारण स्पष्ट नहीं। अफ्रीकी देश कांगो में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से कहर, मकान ढहने की वजह से 14 लोगों की गई जान। इससे पहले सितंबर में उत्तर पश्चिमी कांगो में मूसलाधार बारिश के चलते 17 लोगों की हुई थी मौत। भारत के पर्वतीय राज्यों में सुबह शाम गलन का एहसास, राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड। अगले हफ्ते उत्तर भारत के मैदानी इलाके में बढ़ सकती है ठंड, बर्फबारी के चलते गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुबह और शाम शीतलहर के कहर ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, ठंडी हवाओं से लोग बेहद परेशान। यूपी में भी शुरू हुई पारे में गिरावट, पंजाब और हरियाणा में भी बड़ी ठंड, कई शहरों में घने कोहरे के आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में आई गिरावट, ठंडी हवाएं चलने के आसार। और इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 2024 की तैयारी शुरू, 333 खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने, कई खिलाड़ियों के नाम बाहर। ऑक्शन के लिए 1100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, 333 खिलाड़ियों को सूची में किया गया शामिल। दिसंबर को दुबई में होगी खिलाड़ियों की नीलामी, 219 भारतीय और 114 विदेशी प्लेयर्स को किया जाएगा नीलाम। पहली बार आईपीएल ऑक्शन की मेजबानी करेगा दुबई, भारतीय फैंस स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख सकेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के फोटो आई सामने, शादी की सालगिरह का किया सेलिब्रेशन। दोनों की शादी को 6 साल पूरे, एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, फैंस कर रहे जमकर तारीफ। डंकी की रिलीज से पहले माता के दर पर पहुंचे शाहरुख खान, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सुपरहिट हुई थी पठान और जवान। शाहरुख खान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, फिल्म रिलीज से पहले वैष्णो देवी जाते हैं शाहरुख खान। वीडियो में ब्लैक जैकेट पहने नजर आ रहे हैं शाहरुख खान, 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है शाहरुख की डंकी। और सचिन तेंदुलकर ने आशा भोसले से की मुलाकात, पोस्ट शेयर करके दी जानकारी, फैंस की प्रतिक्रियाएं आई सामने। सचिन ने लिखा आशा ताई को सुनना हमेशा से अच्छा लगता है, ताई में अविश्वसनीय समझ। और गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे सनी देओल, बॉर्डर 2 का दर्शकों को जबरदस्त इंतजार। के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी फिल्म, जल्द तय होगी फिल्म की पूरी कास्ट।